नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। तो आपने पिछले खबरों में देखा कि भिक्षाटन के समय सहायक पुलिसकर्मियों ने क्या कहा। आइए हम देखते हैं कि अब वर्दी पहनकर जब ये भीख मांग रहे थे, मोराबादी मैदान में घूमने आए लोगों ने सरकार और सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर क्या कहा। आपको हम बताते चलें कि कुछ लोगों ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं सरकार के लिए और इन सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भी। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा इस भिक्षाटन को लेकर। मैं कहने वाला हूँ कि हमारे राज्य के लिए ये बहुत ही बड़ी अपमानजनक समस्या है। ये हमारे पुलिस वर्दी के लिए भिक्षा मांगना कोई छोटा बात नहीं है। हमारे देश में 30% लोग ऐसे हैं कि एक बार का खाना नहीं मिलता है, लेकिन ये पुलिस वर्दी में भिक्षा मांगना हमारे राज्य का बहुत बड़ा अपमान है। सबसे बड़ा सवाल वही है और इसमें झारखंड सरकार जो हमारे हैं मुखिया हेमंत सोरेन जी, उनको हस्तक्षेप जल्दी लेना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष में जो भी नेता हैं उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस वर्दी जो हमारे जनता के जो रक्षक हैं, आज इनका यदि स्थिति ऐसा आ गया जो भिक्षा मांगने का नौबत आ गया, इससे बड़ा विडंबना और कुछ नहीं हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूँ कि मैं एक जनता हूँ यहाँ का, मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप सीरियसली लें और कृपया इन लोग का जो भी मांग है उस मांग को पूरा करें और इन लोग का समस्या का समाधान इमीडिएट करें। मुझे आशा है हेमंत सोरेन जी आप बहुत उम्मीद के साथ आए हैं, आप युवा हैं, इन लोग का जरूर ही समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। और इनके लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे लिए ये कुछ नहीं है। इसके लिए ऑलमोस्ट हमारे सारे लोगों को आना चाहिए आगे की ओर, है ना। मैं काफ़ी देर से अभी देख रहा था तो मैंने जानना भी चाहा था कि क्या थे, पर अभी इन्होंने बताया कि ऐसा घटना है। तो इसके लिए ज़रूर मैं आपके जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर हेमंत सोरेन, उनको कहूँगा कि इस पर ज़रूर अपना कुछ देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सरकार मतलब सरकार के साथ साथ में हमारे सारे नागरिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूर उनको देखना चाहिए। और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि लोगों को जान करके ये बहुत ही ख़राब लग रहा है कि इतने सारे लोग और ऐसे उनको सैलरी नहीं पे आउट कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग के लिए ज़रूर हम बात करते हैं, अपने केंद्र में बात करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इस बैकग्राउंड से हैं हम, हमको देख के बहुत ख़राब लग रहा है आप लोगों का, ठीक है। चूँकि हमारे बहुत ही नज़दीकी हुए मनोज जी भी हुए और भी कुछ केंद्र के हैं लोग, तो इस विषय पे हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका परिचय? शिवजीत सिंह हुआ। राजनीति से नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा अपना हमारे भैया का हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ और हम लोग इस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। हमारे भैया ऑलरेडी आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इस लाइन में हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि सरकार जाति कर रही है इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जाति है ये, बहुत जाति है ये। इवन कि जिन लोगों के लिए मतलब हमें आगे आना चाहिए वो आज इस नतीजे पे हैं, तो ये बहुत बड़ी मतलब एक दयनीय हालत हम इसको बोलेंगे। ये बहुत ही ख़राब स्थिति ये कर रहे हैं सरकार हमारे लिए। इस स्थिति में कभी भी हम झारखंड सरकार को उम्मीद नहीं थी मुझे कि इस टाइप का आपका रैली इस चीज़ के लिए निकल रहा है। मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था कि इस चीज़ के लिए मतलब आप लोग को रैली निकालनी पड़ेगी, इवन कि गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ना सुरक्षा आप हमें दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहला गवर्नमेंट का हक बनता है कि गवर्नमेंट आपको पे आउट करे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए पे आउट नहीं कर रही है तो बहुत बड़ी दयनीय बात है उनके लिए। ऐसे सरकार को फिर कंटिन्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर जो अपनी सुरक्षा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर ये दयनीय स्थिति हो जाएगी। सरकार लोग कह रहे हैं कि आज एक वर्दी वाले भीख मांगने पे उतारू हो गए हैं, तो क्या करेंगे? हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है, तब तो भीख तो मांगना ही ना पड़ेगा। अब इतना दिन से ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को पैसा भी नहीं चढ़ेगा, और जितना था सो सब खा पी के हम लोग ख़त्म कर दिए, तब क्या करेंगे? लास्ट हम लोग उपाय यही था, और हमारी बात को हम सरकार को सुननी चाहिए। एक बार भी हम लोग के पास ना वार्ता करने आ रही है, ना कोई सरकार में, हमारी सरकार यहाँ सामने हैं, उनके पिताजी भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अपने पापा को सुनने आते होंगे। फिर भी कितना हम लोग दूरी है, हम लोग का हाल चाल भी लेने नहीं आते हैं,
कितना हम लोग कष्ट से छोटा छोटा बच्चा छोड़ के लेकर आए हैं, इतना ठंड बढ़ गई है, बहुत हम लोग की कठिनाई हो रही है। जब यही करना था तो हम लोग को वर्दी नहीं देना चाहिए, सिविल में ड्यूटी करवाते तो हम लोग को भी दिक्कत नहीं होती कि हम लोग सिविल में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब इतना हम लोग वर्दी पहने, फर्स्ट बार वैकेंसी आया था भर दिए कि हम लोग का नौकरी लगा है, इतना मेहनत से माँ बाप पढ़ाया है, फर्स्ट नौकरी है हम लोग का, इसके बाद तो कुछ वैसे वैकेंसी भी नहीं निकाल रही सरकार, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं रात दिन, और पढ़ने का भी समय नहीं है, शादी ब्याह हो गया है, बाल बच्चा संभालना है, अब पढ़ेंगे कि ड्यूटी करेंगे। हम लोग तो नहीं, दूसरा नौकरी भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि 4 साल हम लोग सेवा की सरकार को, उतना दिन अगर मेहनत करते, इसमें नहीं आए हुए रहते तो हम लोग शायद दूसरा नौकरी में जा सकते थे। अब हम लोग दूसरा नौकरी में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, बहुत कोई को उम्र निकल जा रहा है, और घर दूरा संभालना, बच्चा संभालना, हस्बैंड संभालना, ड्यूटी करना, अब हम लोग का पॉसिबल नहीं कि हम लोग दूसरा नौकरी में फाइट कर पाएंगे। सो एकदम जिस तरीका से आप लोग आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीका से हम लोगों का जन आंदोलन बनाइए आप, क्योंकि ये पुलिस कर्मी आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो कि आज रोड पे आके उतर रही है। क्या कहेंगे सर, ये लोग जैसे रोड पे उतरा भीख मांगने के लिए वर्दी पहनकर, क्या कहा जाए? सरकार को तो अपना नीति अपनाना चाहिए, इन लोग को अपना जगह पर करना चाहिए, और क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो आम पब्लिक है। आज वर्दी पहन करके भीख मांग रहे हैं, आज आपको दिल में क्या लग रहा है? कैसे नहीं लगेगा, जब ये लोग देश को रक्षा के लिए हैं और ये स्थिति है, तो ये तो सरकार को समझना चाहिए, और हम लोग तो फिर आम आदमी है। आप लोग नहीं साथ, हम लोग साथ नहीं देंगे तो फिर आप लोग तो चलिए ठीक है, जैसा हमारे जाएंगे। क्या कहेंगे अंकल? ठीक है सर, नौकरी होना चाहिए सबका, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। जायज लग रही है आपको? एकदम जायज है सर, दम जाए सर। सहयोग दीजिए सरकार तक, हम अपने मांगों को पहुँचाएंगे। अभी तक नहीं पूछे हैं, हम लोग युवा हैं, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये लोग का क्या स्थिति। हम लोग डेली यहाँ आना जाना करते रहते हैं, करीबन 1 महीना से ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो सुबह से ये लोग का चर्चा हो रहा है, शायद पैसा कौड़ी का कमी है और खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए ये लोग मांग कर रहे हैं, तो अपना स्वेच्छा से हम लोग जो हो रहा है अपना दे रहे जी, इसलिए कि लोग बहुत कष्ट में अभी मैदान में डटे हुए हैं, हो सकता है हम लोग का कल का बच्चा हम लोग का भी इस तरह का रहेगा तो कोई सहयोग जरूर करेगा। नहीं नहीं, मांगे इन लोग का सही है, मांगे को इनको सुनना चाहिए सरकार को, और इस पर कुछ विचार करना चाहिए, और सहयोग राशि दिए तो इसके पीछे है कि कल हो सकता है वहाँ आज ये लोग डटे हुए, कल हम लोग का बच्चा भी इस वर्ष सोएगा तो कोई हम लोग कोई जरूर देखेगा। मतलब आप लोग ये मांगते हैं कि इस राज्य में कोई रोजगार नहीं है? नहीं नहीं, सही बात है, रोजगार का दिक्कत है। जी जी, बहुत दिक्कत जी, ऐसा इसलिए कि अब बोलिए, हाँ ऐसा इसलिए कि लोग इतना दिन से लगे हुए हैं, जो जिनके बल पर हम लोग चलते हैं, उनको भी उनकी भी देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है, सरकार गलत है, इस लोग को एकदम तुरंत ही सही होना चाहिए, डीजल हो सर एकदम ख़त्म हो जाएगी। हम लोग साथ हैं, आप लोग साथ हम लोग हैं, जब आपका नहीं रक्षा होगा तो मेरा क्या होगा, हम लोग साथ दल दल में जो सब फंस जाएंगे, रोड रूप जहाँ तहाँ पर मरे जाएंगे हम लोग, क्या गलत बोल रहे हैं? तो आज ये भीख मांग रहे हैं, आपने भी कोई मदद किया है नहीं? जरूर करेंगे, नहीं किसे करेंगे, जरूर करेंगे हम। मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो कर रही है सही नहीं, एकदम गलत कर रही है, हम लोग आपके साथ हैं बस जी। आज ये नौबत इसीलिए आई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10,000 में हम आंदोलन भी कर रहे हैं, 10,000 हमको मिल रहा था, 10,000 में आज हम 29 दिन से यहाँ मोराबादी में पड़े हुए हैं, 10,000 में मेरा पैसा ख़त्म हो गया, हम जैसे आलू चोखा भात माड़ भात एक टाइम पानी पी के रहते थे, मेरा वो भी सामान ख़त्म हो गया, मेरे पास अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, इसलिए आज ये भिक्षाटन का नौबत आया। और रही बात ये भिक्षाटन करके जितना दिन चलेगा, फिर हो सके 10-12 दिन बाद हम लोग फिर से भिक्षाटन करेंगे, क्यों हमारे पास पैसे नहीं बचे हुए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, भीख मांग के कैसे भी करके यहीं पे रहेंगे, अपनी मांग को पूरी करके जाएंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है या सुन के अनसुना कर रही है? ये तो नहीं बता सकते, सरकार की कानों तक तो मेरी बात तो जरूर पहुँच रही होगी, मीडिया के जरिए तो पहुँच ही रही होगी, अब सरकार सुन के अनसुना कर रही होगी, शायद सुन नहीं रही है जानबूझ के। इन सरकार से यही विनती है मेरी कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करे, कारण हम लोग के आज भिक्षाटन का नौबत आ गया, और आज ये भिक्षाटन करके जितना हम लोग के पास जो भी पैसा होगा नहीं होगा, 10-12 दिन बाद फिर से अगर भिक्षाटन करने का नौबत आएगा तो हम लोग फिर से करेंगे, कारण हमारे पास अब खाने पीने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा है।
आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। तो वहीं ब्रेकिंग और लाइव न्यूज के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे टीम को मजबूती देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।